मुरादाबाद के थाना क्षेत्र मुंडा पांडे NH24 रेस्टोरेंट में आज भारतीय किसान यूनियन भानु और प्रधान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन अविनाश कुमार चौहान जिलाध्यक्ष द्वारा किया गया। सभा में विभिन्न शर्तों के बारे में चर्चा हुई। मजदूरों की जो मजदूरी नरेगा में 213 रुपए दी जा रही है, वह महंगाई को देखते हुए काफी कम है, उसे कम से कम 300 रुपए प्रतिदिन किया जाए। मजदूरी की हाजिरी ऑनलाइन किए जाने से काफी परेशानी आ रही है, उसे समाप्त किया जाए। प्रधान, प्रधान सहायक, सफाई कर्मी, कैप टेकर का खाता अलग किया जाए। प्रधानों को दी जाने वाली विकास निधि जो कि 30% काट कर दी जा रही है, उसे पूरा कर किसानों के हित में प्रधान खाते में पूरा दिया जाए। सभी ब्लॉक कार्यालय विकास खंड में किसान हित को ध्यान में रखते हुए एक कमरा प्रधान संघ के नाम से आपतित किया जाए। मुंडा पांडे क्षेत्र में मनकरा मोड़ से रोंडा झंडा मार्ग को पूर्व में लोक निर्माण विभाग तथा प्रशासन को मार्ग निर्माण हेतु ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक मार्ग निर्माण न होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मुंडा पांडे क्षेत्र में जो पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, उससे सड़क काटने की अनुमति दो कंपनियों द्वारा लोक निर्माण विभाग से ली गई है, इसकी भी जांच की जाए। वीपी सिंह, प्रेषक संयोजक महाशक्ति द्वारा भारतीय किसान यूनियन भानु और प्रधान संगठन को समर्थन दिया गया। बैठक के दौरान फिरासत हुसैन एडवोकेट सानू लंबरदार, प्रधान संघ अध्यक्ष अविनाश कुमार चौहान, भारतीय किसान यूनियन भानु जिला अध्यक्ष तेजपाल सिंह, प्रमोद सिंह, छत्रपाल सिंह, प्रशांत कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष बीपी सिंह आदि प्रधान संगठन के और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। नंबर एक जो प्रधानों को समस्या आ रही है, वो एक तो ये है कि जो आवास की सूची होती है वो पिछले प्रधानों के टाइम की बनी हुई होती है, उस सूची को जीरो कर दिया जाए ताकि जो प्रधान कोई भी जब चुन के आता है तो उसकी भी पब्लिक से आशा होती है कि हमारा नाम सूची में दिया जाए, तो उस प्रधान के टाइम में सूची लगे आवास। नंबर दूसरा, मनरेगा में जो 213 रुपए की मजदूरी में सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मजदूरी कोई भी नहीं आ पाता, उसके बाद भी ब्लॉक में कमीशन मांगी जाती है। प्रधानों को जांच के नाम पर रेडियो पंचायत या अन्य कर्मचारियों द्वारा कि आपके उसमें जांच लगी है, उस जांच के नाम पर पैसे की उगाही करी जाती है, जो कि बिल्कुल अवैध है। लोकल वर्तमान प्रधान जो है उनको सिर्फ जनता की कार्यों से ब्लॉक डेली आना जाना रहता है, उसको भी टोल देना पड़ता है, टोल पर आधा आधा घंटा लग जाता है इनकी मनमानी से, और जबकि नियम अनुसार वो बिल्कुल अलग है और रोड पर भी जाम होता है, अक्सर पुलिस को जाम खुलवाना पड़ता है। ये सब दूर करी जाए, और माननीय योगी जी से आशा है कि जो ये जो मानदेय कर रखे हैं 2-3 सहायक के, और शौचालय पर जो भी महिलाएँ कर्मचारियाँ रखी गई हैं जो अलग से, उनको अलग से सरकार व्यवस्था करे। बाकी 30% निधि जो काट कर क्षेत्र पंचायत को दे दी गई है, उसको वापस किया जाए। वो एक तो केयर टेकर का मानदेय, प्रधान का मानदेय और सहायक का मानदेय, इसका जो है खाता अलग निधि से अलग होना चाहिए। कुछ ग्राम पंचायतें इतनी छोटी हैं हमारी ब्लॉक में, क्या उनका मानदेय में ही सारा खर्च निकल जाता है, बेचारे एक रास्ता एक ईंट लगा नहीं पाए आज तक। और जो ये अब ऑनलाइन उसकी मनरेगा की वो लग रही है हाजी, इससे उन्हें मजदूरों को बहुत बड़ी परेशानी है, ये हटाया जाए। अच्छा, आज जो मीटिंग है, इसका क्या उद्देश्य है? इस मीटिंग का यही उद्देश्य है, क्या ब्लॉक में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, परसेंटेज प्रधानों से ज़्यादा ली जा रही है, कुछ सीधे प्रधान हैं वो बेचारे काफ़ी तरह से लुट रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, और टोल प्लाजा पे प्रधानों का बार बार यहाँ से निकलना है, कभी किसी के साथ जा रहे हैं कभी किसी के साथ, उन्हें बार बार टोल देना पड़ रहा है, इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी पड़ रही है प्रधानों को। प्रधानपति भी हूँ, आज हमारी एक बैठक हुई है, हमने एक 3-4 महीने पहले मंडन दिया था सरकार को, कहा था कि टोल प्लाजा पर एक हमारे किसान का शोषण हो रहा है, दूसरा जो किसानों का जो आज मनरेगा जो चल रहा है उस मनरेगा में 213 रुपये मजदूरी मिल रही है, 8 बजे से 5 बजे तक उनका शोषण हो रहा है, उसकी जो है मांग पूरी की जाए, बढ़ाई जाए उसकी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो किसान लोकल के किसान चल रहे हैं, हमारे प्रधान संगठन के जो पदाधिकारी वो चल रहे हैं, किसान पदाधिकारी चल रहे हैं, कि ये टोल प्लाजा वाला बहुत पसंद करता है, इसके कारण हमारी कई सड़कें जो लिंक रोड से जुड़ी हुई हैं कई साल से नहीं हो पा रही हैं, रोक लगा दे रहा है। और हम ये अपील करना चाहते हैं जिला प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदय से और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया जी से, क्योंकि हमने सरकार बनाने में प्रधानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसानों ने, मगर हमें उसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है लाभ? का जनता को जो हमने वादे किए थे वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपने बनाने के लिए, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। मनरेगा में भी हमें नुकसान हो रहा है, मजदूरों को शोषण हो रहा है, और ये किसान जो किसान निधि में भी दिक्कतें आ रही, किसानों की समस्याओं को समाधान नहीं हो पा रहा। दूसरा जो है हमारा जो निधि थी 70% कर दिए 100% से, उसमें बड़ा हम विकास नहीं करा पा रहे, उसमें भी केयर टेकर की तनख्वाह, प्रधान का मानने
और तुम्हारे जो तुम्हारा सफाई कर्मचारी उसका मानदेय रख दिया है। हम ये अपील करना चाहते हैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि मुखिया जी से, जो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है और आगे बनाते रहेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं, अपील करना चाहते हैं हमारी केंद्र पर राजवित बढ़ा दी जाए, 100% कर दी जाए, और जो प्रावधान अगले प्रावधान में जो मान्य जो है वो किसी और बजट से दिया जाए।